अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर, संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर CSTPS को शून्य पानी निकासी और ऐश हैंडलिंग प्रोजेक्ट में जल प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। चंद्रपुर CSTPS के मुख्य अभियंता पंकज सपाटे, उप मुख्य अभियंता किशोर राउत, वरिष्ठ रसायन शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय येउल और माया डफाडे ने पुरस्कार स्वीकार किया। काउंसिल ऑफ एनवायरो एक्सीलेंस संस्था की ओर से पानी प्रबंधन 2022 पुरस्कार का आयोजन 20 और 21 मई को ऑनलाइन किया गया। जल प्रबंधन पुरस्कार 2022 का उद्देश्य थर्मल पावर परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम जल उपयोग मानकों, ऊर्जा परियोजनाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां, कम पानी की खपत के लिए स्वीकृत या उपलब्ध समाधान, कूलिंग और ऐश हैंडलिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना है। बिजली का उत्पादन करते समय पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के संबंध में सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक मानदंडों का अधिकारी और कर्मचारी विशेष ध्यान रख रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिजली केंद्र को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, ऐसा मुख्य अभियंता पंकज सपाटे ने बताया। मुंबई में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार जब भी कोरोना की पाबंदियों से लोगों को राहत देने का विचार बनाती है, वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए CM उद्धव ठाकरे ने लोगों के मास्क पहनने की अपील की और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साप्ताहिक कोरोना संक्रमण की दर 1.59% है और मुंबई और पुणे में कोरोना के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 52.79% हो गई है। आसपास के इलाकों जैसे ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में फिलहाल केवल एक मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 18 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की संख्या कम जरूर है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और मास्क पहने। राज्य में बुधवार को कोरोना के 470 नए मरीज मिले, जबकि मंगलवार को 338 मरीज मिले। बात अगर राज्य में टीकाकरण की करें तो अभी तक 18 साल से अधिक उम्र के 92.27% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। मुंबई सहित राज्य में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 511 नए मरीज मिले, जिसमें अकेले मुंबई में 350 मरीज मिले। बता दें कि 102 दिन बाद मुंबई में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 12 जनवरी को कोरोना के 349 मरीज मिले थे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के गंभीर मरीज और मौतों के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर, संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।